नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 3-4 दिन से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, और इसका कारण ये है कि जो मेरा स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, और मुझे लगातार कमेंट प्राप्त हो रही है, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है और हम आपकी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था, और लेकिन आज जो है मेरा स्वास्थ्य सही है, थोड़ा मुझे आराम है। तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो है आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है UP SSSC में, वो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करूँगा मैं कि देखिए, जब आप किसी भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं UP SSSC में, तो उसके लिए क्या है, एक एडमिट जारी किया जाता है और उस पर आपका जो नाम होता है और आप किस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस शिफ्ट है, वो सारा कुछ आपका लिखा होता है। और उसके साथ क्या, पूरा एक फॉर्म जो है जारी किया जाता है, पत्र जो होता है पूरा जारी होता है उसके। तो देखिए, कई जो होते हैं पेज रहते हैं, इसमें क्या पूरा ये फॉर्म रहता है, ये सारा कुछ आपको भरना पड़ता है। तो ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा जो फॉर्म है ये भर के दिखाऊंगा, और किस प्रकार आपको भरना है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ जो प्रमाण पत्र है उस पर बात करूंगा, जैसे कि SSSC या वो डिग्री हुआ, मूल निवास, जात प्रमाण पत्र, ये कब तक के मान्य किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की। तो ये जिस भर्ती का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, तो उसकी क्या योग्यता थी, जैसे कि इंटरमीडिएट थी या ग्रेजुएट आपसे मांगा गया था, तो वहाँ तक की आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, जैसे मार्कशीट, अंक, जो प्रमाण पत्र होता है, सनद है, तो सनद आपके पास ये है पूरा आपको रहना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भर्ती में, जो आपकी उसकी स्वैच्छिक योग्यता उसकी थी, तो ग्रेजुएट मांगा गया है, तो उसके साथ आपके क्या के पास डिग्री जो है आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे कि डिग्री होती है, एक तो प्रोविजन डिग्री होती है और एक आपकी रहती है पक्की डिग्री होती है, वो हमेशा आपके लिए मान्य होती है। अगर आपके पास वो है तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजन जो डिग्री होती है वो 6 मंथ के लिए मान्य होती है, तो वो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है, तो वो प्रोविजन डिग्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें आप जिस भर्ती में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, तो अगर उसकी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट मांगी गई है तो ठीक है। और एक बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक जो योग्यता होती है उसमें आपका नाम, ठीक है, आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इस किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सही करवा लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि माता का नाम, पिता का नाम भी क्या है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो वो भी आप सही करवा लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें SSSC। देखिए, SSSC अगर किसी भर्ती में आप जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस भर्ती करवाने जा रहे हैं उसमें SSSC मांगा गया है, तो आपके पास SSSC होना बहुत जरूरी है। अगर SSSC नहीं है तो उसके समकक्ष जो प्रमाण पत्र मान्य है SSSC में, तो वो होना जरूरी है, और वो आपके नोटिफिकेशन से पहले होना चाहिए। जैसे नोटिफिकेशन है आपकी भर्ती का, उसके लास्ट डेट है, उससे पहले के होने चाहिए, आपका ये कंप्लीट होना चाहिए उससे पहले का, ठीक है। SSSC और उसके समकक्ष जो डिप्लोमा है वो मान्य होते हैं SSSC वो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। देखिए, EWS की अगर हम बात करें तो ये सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट के लिए होती है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, सामान्य श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं, तो आप ये बनवा सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। अगर हम बात करें मूल निवास की, देखिए मूल निवास होता है, तो आप ये जो है, जैसा कि मैं बता दूं, मैंने कई भर्ती और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया SSSC में, तो मेरे पास 2014 का था, तो वो जो है चल गया था, तो डॉक्यूमेंट इसमें मूल निवास आपका 3-4-5 साल अगर पुराना है तो भी आपका चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बहुत सारे बोर्ड में 6 महीने पुराना मांगते हैं या 1 साल पुराना मांगते हैं, तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम जाति प्रमाण पत्र की हम बात करेंगे, तो जो जाति प्रमाण पत्र आपका 3 से 4 साल तक का पुराना तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है 6 महीने वाली बात, ठीक है। अगर हम बात करें NCC, अगर आपके पास NCC है या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, नोटिफिकेशन से पहले का आपका होना बहुत जरूरी है NCC भी, ठीक है। और NCC में क्या होता है, इसमें भी क्या ग्रेड वगैरह होता है BA, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस से संबंध कोई प्रमाण पत्र है,
तो आप भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भर्ती हुई पीटीआरसी में इंटरमीडिएट से निकली थी, उसकी शैक्षिक योग्यता थी वो इंटरमीडिएट थी, लेकिन आप क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप जो है वो प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई अलग से कोई अनुभव है, तो भी क्या है, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ठीक है, तो आपको ये जो मैंने आपको बताया है, इस प्रकार आपके जो चल जाएगा। सब जाए तो मुझे क्वेश्चन मिलता है कि सर जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं, 4 से 5 साल भी पुराना है जाति प्रमाण पत्र, वो भी जो है मान्य किया गया था। मेरा जो था 2014 का था, वो भी मान्य हुआ था। ऐसी कोई बंदिशन नहीं है 6 महीने या 1 साल का पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रहता है, और इम्पोर्टेंट बात है ये CCC वाला। ठीक है, CCC जो या उसके समकक्ष जो आपके पास प्रमाण पत्र है, वो नोटिफिकेशन से पहले का होना बहुत ही जरूरी है। और जो मैं आपको बताया है, नेम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे माता का नाम, एक बार के लिए आपका माता का नाम है, या पिता का नाम है, या आपका कोई कॉलेज है, स्कूल है, उसके नाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई नाम, कोई लेटर जो है गड़बड़ हो जाता है, तो एक बार के लिए आप जो एफिडेविट लगा देंगे तो चल भी सकता है, लेकिन जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर ऐसी कोई आपको समस्या है आपकी मार्कशीट में या किसी प्रकार कोई भी प्रमाण पत्र में, तो आप उसे सही करवा लीजिएगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब तक। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।